हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आ जाओ फिर से आज आ गया है आज आपका भाई मिथुन आप सभी के लिए कल क्लास 10th का संस्कृत सब्जेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन। ये 20 क्वेश्चन है जो संस्कृत में पूछा जाता है हर साल। तो चलिए हम करते हैं शुरुआत क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला, पाटलिपुत्र का इतिहास कितने वर्ष पुराना है। पाटलिपुत्र का इतिहास जो है वो पाटलिपुत्र यानी पटना, पटना का इतिहास है 1500 वर्ष पुराना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। और देखिए क्या कह रहा है दूसरा नंबर, सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर है। सरस्वती का कुलगिरी जो है ना पटना महानगर में है, यानी पाटलिपुत्र होगा इसका, संस्कृत होता है पाटलिपुत्र। और तीसरा देखिए क्वेश्चन क्या है, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन कर गए। घर में लगी आग जो थे ना वो धूल्त लोग देखकर वहाँ से भागने लगे। धूल्त हो जाएगा हमारा राइट आंसर यानी डी। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है इसमें, देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। चौथा देखिए क्या है, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया। चारों आलसी जो थे आलसशाला में वो उनको केस पकड़ के बाहर किया गया था, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। वैसे देखिए पाँचवा क्या कह रहा है, पाँचवा कह रहे आलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे। जब आलस कथा के पात्र थे तो उसमें बीरेश्वर नाम के एक मंत्री थे मिथिला के, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब छठा में देखिए क्या है, बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे। आलसी मतलब आलस दिखाकर वहाँ के जो धूल्त रोग थे वही भोजन को ग्रहण करते थे। तो चलिए बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूँ, आप पहले चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वो भी आ करें यहाँ पर क्लास 10th की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सीख सके। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, आठवां देखिए, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है। आधुनिक काल में थे हमारे कौन संस्कृत लेखिकाओं में प्रसिद्ध, यानी क्षमा राव जो थे ना वो आधुनिक संस्कृत काल लेखिकाओं में प्रसिद्ध थे। उसके बाद नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नंबर कह रहा है वर्णमाला भवा काल किस काल की संस्कृत कवयित्री थी। तो ये थी हमारे किस काल की, हो जाएगा ये हमारा वर्तमान काल की। तो हमारी राइट आंसर ए में डी में हो गया। अब देखिए हम बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि 10 नंबर है, नर्क के द्वार कितने हैं जिसमें व्यक्ति का नाश होता है। नर्क के द्वार 3 है, ये 3 प्रकार के होते हैं, वो भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा आगे। और देखिए क्या कह रहा है 11वां क्वेश्चन, विनय को कौन मारता है। विनय को कौन मारेगा, विनय को तो मारेगा अकिल्त ही ना, अकिल्त मारेगा, अकिल्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है देखिए 12वां क्वेश्चन है, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। कैसे पुरुष होगा जो प्रियावादी अच्छी वाणी बोलेगा सच्चाई पे रहेगा वही अच्छे पुरुष होंगे, यानी प्रियावादी होगा, इसका राइट आंसर सी। आप देखिए क्या कह रहा है 13वां क्वेश्चन, स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की। ये किए थे किस नगर में, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी यानी मुंबई में। मुंबई में स्वामी दयानंद ने किए थे आर्य समाज की स्थापना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है देखिए 14वां नंबर क्या कह रहा है, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे थे। वनवास प्रसंग में पहुँचे थे कहाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, वो पहुँचे थे चित्रकूट। तो चित्रकूट हो जाएगा सी आंसर। उसके बाद देखिए क्या है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है। मंदाकिनी नदी जो है वो बहती है चित्रकूट पर्वत पर, चित्रकूट पर्वत के नदी नज़दीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद चलिए 16वां क्वेश्चन में, 16वां देखिए क्या कह रहा है, 16वां क्या कह रहा है देखिए, शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है। भाई शास्त्र में जाइएगा तो आपको कराएगा क्या, कर्तव्य यानी कर्तव्य के बारे में ही शास्त्र मानवों को बोध कराता है यानी सिखाता है। उसके बाद देखिए क्या है 17वां क्वेश्चन क्या है, वेद रूपी शास्त्र क्या है, क्या होता है। वेद रूपी शास्त्र जो है ना वो नित्य होता है, नित्य क्रिया अगर जिस प्रकार से आप करते हैं उसी को नित्य किया जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, अगला कह रहा है
बहार मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? बहार मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बृहत संहिता, बृहत संहिता इसका हो जाएगा राइट आंसर सी। आप देखिए 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19वां कह रहा है पटपिंड किस लिए होता है? पटपिंड जो मनुष्य के मरने के बाद जो किया जाता है, आप देखे होंगे मिट्टी में, मतलब जब जाते हैं लोग शमशान घाट, वहाँ पर मतलब आदमी को मतलब जलाने के बाद उसमें मिट्टी एक घड़ा में भर दिया जाता है, उसको घर में आकर रखा जाता है और 2-4 दिन बाद उसको फिर से जाकर भसा दिया जाता है, उसी को कहा जाता है पटपिंड। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाप के लिए, यानी बी हो जाएगा राइट आंसर। आप देखिए अगला क्या, अगला देखिए, एक देश दूसरे देश को क्या देख कर जाता है? देखिए ये बहुत क्वेश्चन है, ये आप सब भी, जैसे मान लीजिए आपका भाई है और आप उसको देख कर जाते हैं, कहते भाई उसको इतना पढ़ने के लिए आता है या फिर उसके पास इतना रुपया है, उसी प्रकार से होता है कि एक देश दूसरे देश को, देश की तरक्की देखता है। तरक्की यानी हो जाएगा उत्कर्ष, उत्कर्ष देख कर वो जलते हैं, सोचते हैं उसके पास इतना इतना धन हो गया तो इसको मार पीट कर हम लूट लेते हैं, यही होता है उसका, जो आजकल बहुत ज़्यादा चलता है हमारे देश में या पूरे दुनिया में ही चलता है। तो चलिए आप सभी को इन क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन पता था कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह का और भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप को आप सभी, यदि व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जाइए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में, बाय बाय।